गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, आई एम योर हिंदी टीचर। टुडे आई विल टीच यू हिंदी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड पढ़ाऊंगी बेटा, हिंदी व्याकरण। ओपन योर बुक। बच्चों, आज आपका चैप्टर टू स्टार्ट होगा, तो निकालिए चैप्टर टू, लिपि, वर्ण और वर्णमाला। चैप्टर टू, लिपि, वर्ण और वर्णमाला, लेक्चर वन। देखिए, हम भाषा के लिखित रूप के बारे में पढ़ चुके हैं। लिपि, भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। बच्चों, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। वर्ण, आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, का खा, चा छा, पा फा, सा हा, ये सब वर्ण हैं। ये क्या हैं? ये सब वर्ण ही तो हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, का खा, चा छा, पा फा, सा हा, ये सब वर्ण हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बच्चों, ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। इनके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। बच्चों, इनके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णमाला, किसी भाषा के सभी वर्णों का एक समूह होता है। किसी भाषा के सभी वर्णों का एक समूह होता है। इस समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा के सभी वर्णों का जो समूह होता है बेटा, उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर, ये देखिए, ये क्या है? स्वर, छोटा आ से औ तक स्वर। देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओकली, औ से औरत। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ई, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत। अनुस्वार, ये क्या है? अंग, अंग से अंगूर, विसर्ग, अंगा खाली, अंग अनुस्वार और अंगा विसर्ग। अनुनाशिक, चंद्र बिंदु। अनुनाशिक क्या होता है बेटा? चंद्र बिंदु। तो बेटा, लेक्चर वन में आज आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। आगे के लेक्चर में आपको आपको कंप्लीट करवाऊंगी बेटा। तो होमवर्क में आप इसको पढ़िएगा। ओके, थैंक यू क्लास।